सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले एवरीवन डिफरेंट दीज आर बेसिक फैक्ट्स एंड आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस पीपल विद स्पेशल कंडीशन कि वो कोई भी प्रैक्टिस और ड्रॉप करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। नाउ दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मिसकंसेप्शन नंबर वन, अगर किसी फूड आइटम पे लिखा है कि वो लो फैट है तो हेल्दी है, तो कंपनीज को ये लेबल लीगली यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम फैट रखना होता है। मान लीजिए कि एक फूड के नॉर्मल वर्जन में 15 ग्राम फैट है, तो उसी फूड के किसी दूसरे वर्जन में अगर 14.9 ग्राम फैट है तो लॉजिकली लो फैट है, लेकिन इज इट? इससे अच्छा थोड़ी मेहनत कर लो यार, जो पैक के पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें से चेक करो, एनालाइज करो कि आपके लिए हेल्दी है या नहीं। मिथ नंबर दो, सब खाओ पियो एक्सरसाइज करो बस। ये आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं। तो आपको वेट लूज करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, एक बात। नाउ थिंक ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड यू हैव एवर ईटन। हेल्दीएस्ट फूड जो आप सोचते हो कि आपकी नज़र में ये सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इस फूड को भी ओवर ईट कर रहे हो, यानी कि आपकी डेली कैलोरी इनटेक मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर जा रहा है, तो आप वेट गेन करोगे माय दोस्त, आप वेट गेन करोगे। एंड देन व्हेन आवर एंसेस्टर्स सेड अति हर चीज़ की बुरी होती है, यू विल फील इट मोर देन एनी मीम और मेमी। कमेंट करना कैसे प्रोनाउंस करते हो, मैं तो मीम करता हूँ, बट लेट मी नो योर्स। ऑल्सो अ क्विक नोट, अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे फैट लॉस करा, बाय द वे मैंने अपनी अब तक लाइफ में 2 बार 20-20 kg वेट लूज़ करा है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट, मैं वीडियो के लास्ट में एक टैब डाल दूंगा, उस पर क्लिक करना और वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना। एंड अभी डालूंगा, पहले वीडियो पूरी देखो फिर देखना उसको। नाउ मिथ नंबर थ्री, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हैं। द ट्रूथ इज, पड़ता है, बहुत ज़ोर का पड़ता है। सी, किसी फूड की 200 कैलोरीज में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, किसी फूड की 200 कैलोरीज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अ बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। यू नीड टू स्टिक टू अ न्यूट्रिएंट रिच डाइट दैट वोंट मेक योर इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल क्राई आउट फॉर हेल्प। ऑल्सो अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो तो आपकी एपेटाइट सेटिस्फाइड रहेगी एंड आप बिंज इट नहीं करोगे। मिसकंसेप्शन नंबर चार, आप किसी स्पेसिफिक एरिया के फैट को टारगेट कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, यही। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी वियर माय ग्लासेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अकॉर्डिंग टू येल साइंटिफिक रिसर्च, जो फैट स्टोर होता है बॉडी में वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है एंड मसल सेल्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कार क्रूड ऑयल पे नहीं चल सकती। इंस्टेड फैट पहले ब्रेक डाउन होता है फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जो कि फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। अब ये फैट जो कि ब्रेक डाउन होता है ये बॉडी में कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो वहीं से आएगा। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करने से मसल स्टोन हो जाती हैं जिसकी वजह से वो पार्ट स्लिमर लगता है। अब मिलता हूँ आपको ऐड के बाद, स्पॉन्सर की इंटीग्रेशन करना भी जरूरी है ना, ऐड के बाद मिलता हूँ। वेट लूज करने के लिए आपको एक्सेसिव कार्डियो करना पड़ेगा। सी, वेट लूज करने के लिए आपको एक्सेसिव कार्डियो नहीं, कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। एंड एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे में से एक फायदा ये है कि वो आपको कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, आपका डेली कैलोरी गोल 2200 कैलोरीज है, ओके? एंड केस वन, आप 2500 कैलोरीज खा रहे हो एंड 300 कैलोरीज एक्सरसाइज के हेल्प से बर्न कर रहे हो, 2200। केस टू,
आप 2400 कैलोरीज खा रहे हो एंड 200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, सेम 2200. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डू वॉट सूट्स यू. देर इज़ नो हार्म इन डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो तो. लेकिन बात आती है कंसिस्टेंसी की. एक्सेसिव एक्सरसाइज टॉर्चर होती है एक तरह से, तो ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे. गो स्लोली, अपनी डाइट को भी कंट्रोल करो. एंड मैं हर बार कहता हूँ बॉडी जिम से ज़्यादा किचन में बनती है. नंबर 6, लूजिंग वेट इज़ अ लीनियर प्रोसेस. सपोज डे 1 पे आपका वेट 95 kg है, डे 2 पे 94.7, डे 3 पे 94.4, डे 4 पे 94.8. आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट लीनियरली कम नहीं हो रहा. बहुत लोग इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. सी, बॉडी वेट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वाटर वेट, अगर आपने खाना खाया तो उसका वेट, किस टाइम मेजर कर रहे हो, आप फ्रेश हुए हो या नहीं. तो जब तक ये वेट पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना वेट रोज़ मेजर करो, लेकिन उसका वीकली एवरेज निकालो एंड सेम टाइम मेजर करो. जैसे कि अगर आप एक दिन सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके मेजर कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे भी सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके मेजर करो. मिसकंसेप्शन नंबर 7, अगर आप रात में खा रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे. अ लॉट ऑफ स्टडीज इंक्लूडिंग अमेरिकन जर्नल ऑन क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने साफ साफ कहा है कि ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता. रात में खाना खा रहे हो तो मोटे हो जाओगे. अच्छा, इस मिथ का ओरिजिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर आप रात में खा रहे हो तो अनहेल्दी ही खाओगे? क्योंकि जो जंक फूड जॉइंट्स होते हैं वो ही ज़्यादातर देर रात तक खुले रहते हैं. हेल्दी फूड्स के शॉप्स या स्टॉल्स इतने नहीं होते देर रात तक. तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर आप रात में खा रहे हो तो अनहेल्दी ही खाओगे, जो कि एक झूठ है, क्योंकि यू कैन स्टिल स्नैक ऑन गुड एंड हेल्दी फूड्स. मिसकंसेप्शन नंबर 8, अगर आप अपनी डाइट से फैट निकाल लेंगे तो आपका वेट जल्दी लूज होगा. एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप अपनी डाइट में फैट्स रखेंगे तो आपका वेट गेन नहीं, लूज होगा. क्या मतलब है पागल हूँ? वेट, लेट मी एक्सप्लेन. तो हेल्दी फैट्स अगर आपकी डाइट में है तो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं. हेल्दी फैट्स यानी कि जो कि पाए जाते हैं नट्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव्स एंड डार्क चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका वेट जल्दी लूज होता है. ज़्यादातर लोग जो अपनी डाइट में फैट को डिक्रीज करते हैं वो इन कैलोरीज को रिप्लेस करते हैं रिफाइंड शुगर से, रिफाइंड ग्रीन्स से, जिससे कि मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है एंड वेट गेन होता है. तो हेल्दी फैट्स खाने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एंड वेट लूज होता है. ऑल्सो आपकी एपेटाइट सेटिस्फाइड रहती है, जिससे आप बिंज ईट नहीं करते. नाउ द लास्ट मिसकंसेप्शन नंबर 9, अगर एकदम से अपना कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा. फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में. कैसे? एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज डिक्रीज करने से आपकी बॉडी शॉक में चली जाएगी, क्रेविंग्स होने लगेंगी, फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे, चिड़चिड़े रहने लगोगे, एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी. ओवरऑल दिस इज नॉट सस्टेनेबल. कितने दिन लो कैलोरी डाइट को फॉलो कर लोगे? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चलो एक हफ्ता. उसके बाद तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड फिर तो एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, ऊपर से खाओगे अलग. जो पिछले एक वीक में कैलोरीज डेफिसिट में रही हैं सारी कसर पूरी हो जाएगी. इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि स्लोली स्लोली अपना कैलोरी इंटेक कम करो एंड स्लोली स्लोली एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाओ. कॉम्बिनेशन रखो अपने हिसाब से, किसी और की मत सुनो, जो आपको सूट करे वो करो एंड खाओ यार, जो आपको पसंद है वो भी खाओ. चीट डेज की जगह चीट मील्स रखो. महीने में 2 से 3 बार जो भी आपको पसंद है, किसी भी एक टाइम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एक टाइम एक मील में उसको खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
मेन पर्पस तो खुश रहना है यार। अगर आप इंटरनली खुश हो तो मोटिवेशन बनी रहती है एंड ऑलमोस्ट सब चीज़ सिंपल हो जाती है अगर आप खुश हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर SLS।